धनबाद के उपायुक्त कार्यालय में नवनियुक्त डीसी उमाशंकर सिंह ने एक बैठक आयोजित कर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि धनबाद जिले में कोरोना के व्यापक प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से नगर निगम सहित अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक की गई, जिसमें यह निर्देश लिया गया कि निगम अपने अधीन क्षेत्रों में क्रियाकलापों को तेज करे। इस काम में कहीं पैसे की कमी आती है तो उस बाबत निगम और जिला प्रशासन आपस में समन्वय स्थापित कर उक्त कमियों को दूर करेंगे, जिससे कि धनबाद में कोरोना का प्रभाव कम से कम असर दिखा सके। बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम सहित कई विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। देखिए, नगर निगम के साथ बैठक की गई थी, वो COVID-19 रिस्पॉन्स के परिप्रेक्ष्य में था। हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि COVID-19 की चुनौतियों से अगर लड़ना है तो सभी डिपार्टमेंट्स में अच्छा समन्वय होना चाहिए। नगर निगम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चूँकि धनबाद नगर निगम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, कई कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं यहाँ पे। तो नगर निगम से हम लोगों ने ये जानना चाहा कि COVID-19 से लड़ने की क्या तैयारियाँ हैं, आगे की क्या योजना है, कितने उनके पास उपकरण हैं, कितने केमिकल्स हैं, कितने मैन पावर अभी तक उन्होंने मोबिलाइज किया है, फंड की क्या स्टेटस है, क्या उनको फंड हम लोगों से चाहिए या फिर रिसोर्सेज से वो कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्देश आज ये हुआ है कि हम लोगों ने नगर निगम को डायरेक्शन दिया है, जिसमें कि हमारे डायरेक्टर DRDA और SDO साहब के साथ मिलकर वो एक मैपिंग करेंगे, उसको हम लोग वल्नरेबल मैपिंग करेंगे, यानी कि हमारे पूरे 55 वार्ड में हम वैसे एरिया को चिन्हित करेंगे जहाँ पर कोरोना संक्रमण की संभावना ज़्यादा हो सकती है। उन एरिया को मैप करने के बाद नगर निगम के पदाधिकारियों को प्रायोरिटी पे वैसे एरियाज में अपने डिसइंफेक्शन के, सैनिटाइजेशन के काम करने होंगे। और हम लोगों ने ये सोचा है कि हमारी एक सुपरवाइजरी टीम बनेगी, सभी वल्नरेबल एरियाज के लिए एक सुपरवाइजरी टीम बनेगी, जो हर दिन जाकर ये चेक करेगी, हर दिन जाकर ये देखेगी कि हमारे नगर निगम की टीम सफाई का काम या सैनिटाइजेशन या डिसइंफेक्शन का काम करेगी।